उत्तराखंड के लिए बेहद दुखद खबर है। यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिका ब्लॉक के 28 वर्षीय जवान अनिल चौहान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। एर्थ गढ़वाल राइफल के जवान अनिल चौहान पौड़ी जनपद के द्वारिकाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम लंगूड़ी के रहने वाले थे। राइफल मैन अनिल चौहान के शहीद होने की सूचना दोपहर में जब उनके पिता ब्रजमोहन चौहान को मिली, उसके बाद उनके घर में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक शहीद अनिल चौहान की मई माह में शादी होने वाली थी। वे 20 वर्ष की आयु से ही सेना में भर्ती हो गए थे। बीते वर्ष वे राष्ट्रीय राइफल्स में 3 वर्ष की सेवाएं देने के बाद 8वीं गढ़वाल राइफल्स में वापस आया था। बड़ी दुखद घटना हुई है। विकास खंड द्वारिकाल के ग्राम लंगूरी से अनिल चौहान, जो देश की सरहद पर फौज में सेना में अपनी सेवा दे रहा था, आज शहीद हो चुके हैं। इससे तमाम क्षेत्र में गमगीन माहौल बना है। तमाम क्षेत्र में जो भी सुन रहे हैं उनके घरों में तांता लग चुका है और इस दुखद घड़ी में हम इस शोकाकुल परिवार के साथ हैं। शहीद अनिल के पिता ब्रजमोहन सिंह चौहान भी सेना से रिटायर हैं। उनके बड़े भाई भी सेना में हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने भी कहा कि दुख की घड़ी में अनिल चौहान के परिवार के साथ वे खड़े रहेंगे। वहीं ब्लॉक प्रधान संगठन के अर्जुन सिंह रावत ने कहा कि बेहद दुख की खबर है, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। नमस्कार, आज भारतीय सेना में हमारे पौड़ी जिले द्वारिकाल ब्लॉक से अनिल चौहान जी शहीद हो गए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा द्वारिकाल ब्लॉक उनके साथ है, परिवार के साथ है और जब भी हमसे जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब। शैलेंद्र रावत कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी ने भी कहा कि हमें दुख हुआ सुनकर और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शहीद को अपनी शरण में ले। यहाँ जो अनिल चौहान जो गढ़वाल राइफल में सेना में थे, वो आज उनका एक समाचार मिला कि वो शहीद हुए हैं सेना में। निश्चित रूप से हम दुखी हैं, लेकिन इस देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उस पुण्य आत्मा को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस शहीद परिवार को, उनके माता पिताओं को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, इस कष्ट और दुख की घड़ी से उभरने के लिए ताकत प्रदान करे। मैं पुनः उस पुण्य आत्मा को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यमकेश्वर विधानसभा से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।